ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द पाइसिस साइन, जिसमें हम देखेंगे कि सितंबर मंथ आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। जी हाँ, ये जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, और देख लेते हैं पाइसेस ये जो महीना है आप सब लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। ओके, सो पाइसेस ब्लेसिंग्स देखेंगे हम, ऑफ कोर्स एनर्जी और सब कुछ हम बाद में चेक करेंगे, पहले ब्लेसिंग्स देखेंगे पाइसेस की तरफ। सितंबर मंथ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ऑफ कोर्स चाहे आप जो भी हैं, बच्चे बुजुर्ग कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। ओ माता लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, ऑफ कोर्स आप देखिए, दर्शन कीजिए। ओके, अच्छे से दर्शन कीजिए और रिसीव कीजिए माता लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स, भरपूर ब्लेसिंग्स हमें आती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास इम्प्रूव्ड सोशल स्टेटस आपके लिए दिखाई दे रहा है, ब्लेसिंग्स। ओके, तो सक्सेस दिखाई दे रही है, ऑफ कोर्स इंक्रीज्ड वेल्थ, लग्जरी आपकी लाइफ में। मान लीजिए कि कुछ भी चीज़ें हैं आप जो सोच रहे हैं जैसा जैसा वैसे वैसे हो सकता है। ओके, सो इट्स लाइक अ ब्लेसिंग कमिंग टूवर्ड्स यू। करियर अपॉर्चुनिटीज़, प्रमोशन, ठीक है, अक्नॉलेजमेंट, प्रेज, यू नो, गेटिंग अवार्ड, एनी सॉर्ट ऑफ अवार्ड या रिकग्निशन कमिंग योर वे, और वेल्थ अच्छी हो सकती है, ठीक है। हिंदी में क्लियरली समझा देती हूँ बीच बीच में, यू नो। ओके, और तो हाँ, करियर आपका अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, और अगर एग्जिस्टिंग करियर में आप काम कर रहे हैं, जिसमें भी यू नो, जो उनसे भी स्पेयर में हैं, तो उसमें आपको रिकग्निशन, एक्नॉलेजमेंट मिल सकती है, ठीक है, ये चीज़ है। और ऑफ कोर्स मनी वाइज तो हम बात कर ही चुके हैं कि मनी वाइज बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। गुड एंड फेथफुल मैरिज पार्टनर, स्पेशली अ वाइफ। देखिए, अगर आप मेल हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बॉयज़, तो आपको बहुत अच्छी कोई वाइफ मिल सकती है, वेरी सपोर्टिंग एंड केयरिंग, स्पेशली यहाँ लिखा हुआ है स्पेशली वाइफ, ठीक है। क्यों? क्योंकि माता लक्ष्मी का कार्ड आ रहा है। सो जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो बॉयज़ हैं और मेन वॉचिंग दिस वीडियो, तो भाई तैयार हो जाइए, एक अच्छी वाइफ आपकी लाइफ में आ सकती है। और जो लोग ऑफ कोर्स लड़कियाँ भी जो देख रही हैं, तो आपको अच्छा पार्टनर मिल सकता है, और आप दोनों मिलकर आगे राइज कर सकते हैं। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। तो आपको ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए, ठीक है, आपको माता लक्ष्मी को ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए फॉर द ब्लेसिंग्स दैट आर कमिंग टूवर्ड्स यू। सो दिस इज़ वट वी आर गेटिंग फॉर ओवरऑल, लाइक जो ब्लेसिंग्स सबके लिए, बच्चे, आप बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, मेल, फीमेल, एनीबडी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स कमिंग थ्रू। सो आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, आई थिंक येस यू आर। ओके, चलिए पॉजिटिव रहिए, मैं यही बोलूँगी आपको कि जो भी पाइसेस हैं, देख लेते हैं व्हाट्स कमिंग थ्रू। ओके, अगर हम रिलेशनशिप सेक्टर की बात करें, तो रिलेशनशिप सेक्टर में करंट सिचुएशन अभी क्या बनी हुई है और आगे क्या हो सकती है इन द मंथ ऑफ सितंबर, तो हम यही एंजल से पूछेंगे, डिवाइन से पूछेंगे कि इन द मंथ ऑफ सितंबर अभी सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। और सो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा लग रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक स्टक, कुछ एनर्जी स्टक है, ऑफ़ कोर्स सम चेंज इज़ हैपनिंग, कुछ एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, नेक्स्ट चैप्टर हो रहा है, मतलब कुछ स्टक है जो आप, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो आपको रोक रही हैं, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ नहीं पा रहा, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी। अगर एनर्जी पाइसेस चेक करें, देन आई थिंक यू आर रेडी आपकी लाइफ में, हो सकता है इट्स अबाउट यू आर रेडी फॉर अ न्यू बिगनिंग, बट द प्रॉब्लम इज़ कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको रोक रही हैं, ये नेगेटिविटीज़ हो सकती हैं, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे डेविल है, और यह हो सकता है कोई, देखिए पाइसेस यहाँ पे मैं बहुत ही एक आपके लिए बहुत एक अलग सी बात करने जा रही हूँ,
नज़र दोष या जो लोग दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए जो किसी भी हद तक जाते हैं, ठीक है, कि आपको नुकसान पहुंचा, ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, तो उस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहने की आपको ज़रूरत है। हो सकता है ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, कि कोई नहीं चाहता कि आप आगे बढ़े या ऐसा कुछ, बट कहते हैं ना भगवान है, ठीक है, अगर डी फॉर डेविल है तो डी फॉर डिवाइन भी है, सो नॉट टू वरी। तो आपकी एनर्जी ये है कि ऑफकोर्स आप इस पर्सन को चाहते हैं, तहे दिल से चाहते हैं, या बहुत ज़्यादा अगर कोई पर्सन नहीं है तो आप ऑप्टिमिस्टिक हैं कि कोई नया पर्सन ज़रूर आएगा आपकी लाइफ में, और आएगा भी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, एंड यू आर रेडी, बिकॉज आपके जो पर्सन है ऑफकोर्स या तो हो सकता है कि दे आर मैरिड, कि एक किसी सिचुएशन में कोई फंसा हुआ है, या फिर हो सकता है कि दे वॉन्ट टू मैरी यू, आपसे शादी करना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम्स अगेन वही आ रही हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको कमिटेड, मुझे कोई नया पर्सन लग रहा है, ऑफ कोर्स मुझे कोई नया पर्सन लग रहा है, हो सकता है ये आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, एस एस, तो मे बी हो सकता है न्यू पर्सन या फाइनेंसिस को लेके या कुछ किसी बात को लेके ऐसी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है, या तो लाइक ऑफ कोर्स डिस्टेंस दिखाई दे रहा है आप लोगों के बीच में, हो सकता है कि आप लोग दूरी पे रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो ख़त्म होनी है, और वर्ल्ड इज़ ऑल्सो अबाउट अ चैप्टर इज़ कम्प्लीटिंग, तो इसका क्या मतलब होता है कि एक साइकिल ख़त्म हो रहा है, दूसरा शुरू हो रहा है, अब वो किसी के लिए डिवोर्स हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, मूविंग ऑन हो सकता है, फाइंडिंग अ न्यू पार्टनर, कोई नया पार्टनर ढूंढ रहे हो, तो पाइसिस ये सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में भी हमने देखा था कि गुड पार्टनर, ठीक है, तो जो आपके काबिल है, ठीक है, और जिसके लिए आप अच्छे हैं, ऐसा पार्टनर, तो ये चीज़ हो सकती है। एम्परर एनर्जी है हमारे पास, किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आ रही है, फायर साइंस आ रहे हैं, ओके, सो हो सकता है कि सामने नहीं आ रहा, वो गाना है ना कौन सा, कैसा है, कौन है वो जाने कहाँ है जिसके लिए मेरे होठों पे, हाँ, तो वो वाला सॉन्ग, ओके, सो मुझे ध्यान आ रहा है कि ऑफ कोर्स यू आर लाइक, आप अगर ऐसा फील नहीं कर रहे तो आपको करना चाहिए, यू शुड बी पॉजिटिव अबाउट योर रिलेशनशिप, मैरिड है या जो भी स्टेटस है, यू शुड बी एक्सट्रीमली पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ठीक है। और ऑफ कोर्स स्पाइसेस अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, करियर पे भी हम आएंगे, बट अभी बात हम उसकी कर रहे हैं कि रिलेशनशिप की, और स्पाइसेस ये भी चाह रहे हैं मुझे लगता है कि कोई सही तरीके से आपको वो ऑफर करे, और क्या वो ऑफर आपको मिलेगी, ऑफ कोर्स हमारे पास थ्री ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है, तो मे बी किसी के थ्रू, बी रेडी, किसी के थ्रू कोई रिश्ता आ सकता है या प्रपोजल या एनीथिंग, या हो सकता है कि कोई बात कर सकता है, इनिशिएट कर सकता है, ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, बिकॉज यहाँ ऑफ कोर्स मुझे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है बीच में, जिस वजह से ये चीज़ डिले हो रही है, बट हमारे पास वो जो हायरोफेंट का कार्ड आ गया है, सो मैं इसको यहीं पे एंजल्स जो भी है बस मैं इसको यहीं पे रोकूंगी, ठीक है, शायद एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि यस पॉसिबिलिटी है, तो जो भी पाइसेस हैं प्लीज पाइसेस प्लीज पॉजिटिव रहिए, मैं यही कहूंगी आपको, ओके, चलिए, ये तो थी रिलेशनशिप की बात, आप चाहे सिंगल हैं, ठीक है, और सिंगल्स भी, तो सिंगल्स के लिए भी है बीच में रीडिंग कि यस कोई नया पर्सन आ सकता है, बिकॉज पाइसिस बहुत ज़्यादा उन्होंने वेट किया है, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ हैपनिंग आपकी लाइफ में, मेजर चेंज एक हो रहा है, ठीक है, लोगों से दूर रहिए, टॉक्सिक लोगों से जो आपका अच्छा नहीं चाहते, नज़र दूर से बच के रहिए, इन सब चीज़ों से दूर रहिए, सो दिस इज़ वॉट वी आर गेटिंग फॉर योर लव लाइफ, ठीक है। अब मैं इसको साइड पर रख के अब हम आपके करियर की बात करेंगे कि वॉट मेजर चेंजेस, ऑफकोर्स माता लक्ष्मी का कार्ड आ गया है, सो आई एम श्योर कुछ अच्छा ही होगा, पॉजिटिव ही होगा, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मनी एंड फाइनेंसेस, मुझे लगता है कि कुछ अच्छा ही सुनने को मिलेगा, ऑफ कोर्स, चलिए, ओके, सितंबर मंथ में किंग ऑफ सोल्स एनर्जी आ रही है, इट्स अबाउट टेकिंग प्रैक्टिकल डिसीजंस, मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल डिसीजंस कुछ ले रहे हैं आप, हायरोफेंट कुछ भी हो, भगवान आपके साथ हैं या आपको कुछ फेवर्स मिल रहे हैं, इट्स अबाउट लाइक थिंग्स आर हैपनिंग, मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें, ऑफकोर्स एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके करियर में भी एक चेंज आ सकता है, और अगर कुछ चीज़ें स्लो हो रही हैं या अगर कुछ कुछ भी एनीथिंग कुछ भी स्लो हो रहा है, तो मे बी ये आपको स्ट्रांग बनाने के लिए है या आपको आपके टारगेट तक पहुंचाने के लिए, हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड आ रहा है, इसका मतलब कि अगर अगर कुछ भी चीज़ें डिले हो रही हैं, कुछ भी सिचुएशन थोड़ी थोड़ी हो रही है, तो
इसका मतलब कि भगवान आपको प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर समथिंग वेरी गुड. व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इसका मतलब है समथिंग वेरी गुड इज कमिंग इन मंथ ऑफ सितंबर, एंड ऑफ द सितंबर मंथ, या मतलब ग्रेजुअली ये चीज़ आपके सामने आएगी इन द कमिंग मंथ्स, ये आप देख सकते हैं. ठीक है, सो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपना काम करना है. ओके, प्लीज़ इस एनर्जी में से निकल जाइए. जो लोग ये सोच रहे हैं होगा नहीं होगा, थ्री ऑफ सोर्ड्स मतलब पेन, मतलब कैरिंग पेन इनसाइड, तो उससे कुछ नहीं होगा. यू नो, कम आउट ऑफ दैट जोन, हील योर सेल्फ. ओके, और बिलीव करना सीखिए. हर चीज़ को टाइम लगता है और हर चीज़ का एक डिवाइन टाइम होता है. ठीक है, और वो हर पर्सन के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं सबके लिए अलग अलग होगा. आ किसी के लिए आज, किसी के लिए कल, किसी के लिए परसों. ठीक है, तो उस चीज़ पर ट्रस्ट कीजिए, बिलीव कीजिए. और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सरेंडर. सरेंडर का मतलब होता है कि भगवान के हाथ में आपने छोड़ दिया कि यस, आप वो जो डिसीजन लेंगे बहुत अच्छा ही लेंगे. और यहाँ पे कुछ समथिंग मेजर, लाइक समथिंग वेरी गुड. कहते हैं ना, वक्त बदलते वक्त नहीं लगता, इट्स लाइक अ व्हील. भगवान ने कैसे सब कुछ ठीक कर देना, आप भी नहीं बिलीव कर पाएंगे. तो ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द पाइसिस पीपल. आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, करियर वाइज भी और रिलेशनशिप वाइज भी. ओके, सो अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, जो लोग थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, वेटिंग जोन में थक चुके हैं, उब चुके हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा सब्र रखिए. चलिए, गाइडेंस क्या है? ऑफकोर्स हमारे पास यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड आ रहा है. इसका मतलब एग्जिस्टेंस, पर्पस. ठीक है, आपकी लाइफ का पर्पस, और आप आई थिंक उस तरफ ही बढ़ रहे हैं ऑफकोर्स. और लाइट हेडेड, अगेन हमारे पास यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है. एक तो आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, ठीक है, और स्पेशली हार्ट चक्रा, बिकॉज यहाँ पे हमको पेन दिखाई दे रही है, लाइक सम सॉर्ट ऑफ पेन. तो इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जो भी हैं आप वॉच कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, अपने आप को टेंशन नहीं देनी, ज़्यादा बोझ नहीं लेना, बर्डन नहीं लेना. इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, इट्स जस्ट गोइंग इन वेन. ठीक है, जितना ज़्यादा आप अपने आप को लाइट रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा. और लाइट कैसे रखना है, मेडिटेट कीजिए, कनेक्ट कीजिए, और ये सोचिए कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं. जितना मर्जी आस पास अंधेरा हो, आप सोचिए कि आप एक रेनबो देख पा रहे हैं, एक लाइट है. ठीक है, और वो लाइट कौन है, वो डिवाइन की आवाज़ होती है. वो किसी भी थ्रू, किसी के भी थ्रू, चाहे वो आप यू नो एनीबडी, लाइक कोई साइंस है, कोई सिंबल है, कुछ भी आप देख रहे हैं, और मे बी नेचर में भी, यू नो, अगर आपको कुछ लग रहा है कि येस समथिंग इज़ हैपनिंग, और कुछ चीज़ है जो आपको आगे की तरफ यू नो लाइक पुश कर रही है कि चलिए बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए, तो आई थिंक यू विल गेट इट. यहाँ हमारे पास है एडवेंचर, तो इसका मतलब है हमेशा ये सोच के चलना चाहिए कि एक एडवेंचरस लाइफ आपका वेट कर रही है. सो दिस इज़ वॉट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द पाइसिस पीपल फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस मंथ, और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग. टिल देन टेक केयर.